हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुकू मामा ब्लॉग्स पर। तो ये देखिए, आज की टूर डुकू भी नहीं गए स्कूल में, ये बैठे हैं आराम से, यहाँ टीवी देख रहे हैं। आज ये स्कूल पता क्यों नहीं गए, क्योंकि इस पर ना मतलब इनके ना कल जुकाम मतलब ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से कहने नहीं है भेजे नहीं स्कूल में, चलो आप तुम घर ही रहो। तो देखिए, मैंने मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए, एक बार की मेरी हो गई है, ये भी हो गई है, ये भी निकाल लूँगी और उसके बाद ये डाल दूँगी। इस बार मैंने जल्दी मशीन लगा दी, इनका फिर ज़्यादा कपड़े होते हैं, फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो साथ के साथ मैं बना रही हूँ अब खाना भी, और खाने में मैं बना रही हूँ आज कढ़ी चावल। काफ़ी दिन हो गए दाल वगैरह ऐसी चीज़ नहीं बनाई है, कढ़ी चावल ऐसा कुछ नहीं बनाया, तो मैंने कहा कढ़ी चावल बना लेते हैं। तो ये देखिए, मेरा सारा सामान तैयार हो गया है। अभी घोल बनाना रह गया है, क्योंकि कल हल्दी ख़त्म हो गई थी मेरी, और कल मुझे याद थी मंगवा नहीं, और आज मुझे जब सुबह हमारी दुकान पे गई तो मेरा मंगवाना याद नहीं रहा। तो अब जब घोल बनाने लगी तब देखा कि हल्दी तो है ही नहीं, फिर अब माँ जी गई है हल्दी लेने, फिर मुझे बनाना है घोल, और फिर फटाफट कड़ी छोंक दूंगी। साथ ही मैंने चावल भी भिगो दिए, मेरे नाश्ते के बर्तन भी पड़े हैं, मुझे बर्तन भी साफ करने हैं। तो ये लहसुन प्याज कट गया, मिर्च कट गई, फटाफट से घोल बना के फिर कड़ी छोंक दूंगी, और कड़ी छोंक के फिर क्या नाम कपड़े पानी में को निकालने लग जाऊंगी। और डुगू टोपा ओढ़ लो बेटा, हर टाइम टोपा उतार देता है ये, जब भी तो इनके जुकाम होता है, ये मानते बिल्कुल भी नहीं है ये बच्चे। तो चलिए जी, आप ऐसे वीडियो में बने रहिए। इधर देखिए, ये काला तिल्ला क्यों लगा रखा है, क्यों लगाऊंगा मैं तो लगाऊंगा, कल्लू कल्लू है तो है काला, चल धूप से मिठोरा, मुंह में उंगली दी वो माथे के लगा दी गधा है। ये हो रहे हैं चावल साफ, क्यों हो रहे डुकू ये चावल साफ, दादी तो कर रही, क्यों कर रही दादी चावल साफ, ऐसे ही करने पड़ेंगे, क्यों करने पड़ेंगे ये ऐसे ही, अच्छा इसमें कीड़े हो रहे, किसके लिए कर रहे हैं साफ, कौन लेके जाएगा इन्हें, हाँ दादी कहाँ लेके जाएगी, वहाँ कहाँ दूर कहाँ, ते बाबा जी खाता, ते बाबा जी लेके जाएंगे ना, राम जी है ते बाबा जी खातर कर रही है चावल साहब, ठीक जब जब से कार्टून कार्टून रो रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं रसोई में आ गई थी और अब मैंने कर दिया कड़ी छोंकने की तैयारी सारी। तो ये देखिए, कड़ी बना रही हूँ तो घोल भी मैंने वो कर दिया है, अब घोल लूँगी उसे। तो देखिए, मैंने कढ़ाई में डाल दिया छोंक वगैरह, प्याज डाल दिए, वो लहसुन वगैरह तो मैंने डाल दिए, थोड़ी सी मैंने लौंग भी डाली है क्योंकि गर्म होती है, सही रहती है। तो कुछ तो मेरे बच्चे ऐसे, इनके नज़ले जुकाम हो रहा है, बस मैंने बना ही लिया, ना मुझे बनानी तो नहीं थी, बस मैंने बहुत दिन हो गए थे इस वजह से मैंने बना ली। तो इस वजह से मैंने लौंग भी डाली, अदरक नहीं डाला है क्योंकि डुगू नहीं खाता है अदरक, अगर अदरक गिर जाता है तो ये रोने लग जाता है। तो जी देखिए, मैंने घोल बना दिया है। तो ये जैसे मैं आज आलू डालूँ थी, माँ जी बोली कि आलू ना डाला है, आलू तो रोज़ ही खाते हैं, आज तो ना छोंक में चावल डाल दे, कड़ी में छोंक में चावल भी डाल देते हैं, जैसे कि जब छोंक रहे होते हैं ना तब छोंक मतलब थोड़ा सा भुन जाता है, उसके बाद डाल देते हैं चावल, तो वे भुन जाते हैं तो अच्छे लगते हैं चावल डल के, भी अच्छी लगती है कड़ी। तो जी देखिए, चावल भून रही थी मैं, तो ये देखिए जैसे ये भिगोए हुए चावल थे ना, भिगो रखे थे, जैसे ये डाले तो ये देखिए फूल के ना ज़्यादा से हो गए थे, और मतलब वैसे हो गए थे, ये मैं देख रही थी, मैं कहा ये चावल कैसे हो गए। तो जी देखिए, मैंने अपना जो घोल बना रखा था ये मैंने डाल दिया है, और बाद में जो लस्सी वगैरह डालनी थी तो मैंने डाल दिया है। तो चलिए देखिए, अब मैं इसे लस्सी को अच्छे से घुमा लेती हूँ, तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में अभी से ही। तो जी देखिए, कड़ी में लग गया है खद्दा, तो अब मैं गैस कम करके कड़ी में खद्दा लगने दूंगी, आराम से पकने दूंगी। तो साथ ही मैंने चढ़ा दिया है कुकर, तो आज मैं चावल पतीली में नहीं बनाऊंगी, आज बनाऊंगी जीरा राइस, कुकर में जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक सीटी लगते ही चावल बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये डाल दिया है मैंने कुकर में थोड़ा सा घी, और फिर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जीरा, और फिर ये चावल डाल दूंगी जो कि मैंने पहले धो के भिगो के रखे हुए थे। तो ये जी, ये देखिए जीरा भून गया था, तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल, और जीरा मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा ही डाला था। तो देखिए जी, ये मैंने सारे चावल डाल दिए, तो अब मैं इन्हें अच्छे से घुमा लेती हूँ, भून लेती हूँ अच्छे से। तो देखिए ऐसे, ताकि ये चिपके ना, चिपक जाते हैं और ना। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से ये घुमा दिए हैं,
अच्छे से मिला रही हूँ मैंने, थोड़े से भून से लूँगी। जब थोड़े से भून जाते हैं ना ये अच्छे से, तो फिर ये चिपकते नहीं है। तो जी देखिए ये मैंने चावल घुमा दिए हैं अच्छे से। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, जितना मुझे पानी डालना है। पानी मैंने पहले ही नाप के रखा हुआ था। तो जी देखिए अब मैंने घुमा दूँगी थोड़ा बहुत, जो कुकर पे चिपके हुए होंगे वे अब उतर जाएंगे। तो अब मैं कर दूँगी कुकर बंद। तो ये देखिए मैंने कुकर बंद कर दिया है। तो एक सीटी आते चावल बन जाएंगे, इधर कढ़ी भी बनने लग रही है। तो जी देखिए ये फिर ना माँ जी ने ना लकड़ी लेके आए थे, ये छेती थे तो लेके आए थे हम। तो फिर अभी इन्हें छत पे चढ़ा रहे थे, क्योंकि ये अभी हरी है, मतलब कच्ची है, सूखी नहीं है। तो इन्हें अब चढ़ा रहे हैं छत पे। पहले माँ जी चढ़ा रही थी, फिर उनका हाथ नहीं जा रहा था, फिर मैं अंदर से आ गई थी, मैं कपड़े धो रही थी। उनका लाओ मैं चढ़ा देती हूँ, पकड़वा देती हूँ। पर इसके बाबा जी थे वे पकड़ रहे थे ऊपर। तो देखिए अब मैं ऊपर पकड़वा रही हूँ, तो ऊपर किटू के बाबा जी पकड़ रहे हैं और मैं नीचे से पकड़वा रही थी। तो देखिए ये फिर मेरे कपड़े भी, मैं कपड़े भी धोने लग रही थी। तो ये देखिए अब मैं कपड़े निकाल रही हूँ पानी में, पहले तो धो दिए, अब ये लास्ट के ही रह रहे हैं, थोड़े बहुत ही, थोड़े बहुत नहीं, ये लास्ट के ही हैं, बाकी और सारे धो गए हैं। तो देखिए जी आज मैंने जल्दी मशीन लगा ली थी, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मुझे फिर ज़्यादा परेशानी हो जाती है और फिर मेरे दर्द वगैरह होने लग जाता है पैरों में भी और कमर में भी। तो इसलिए मैंने आज जल्दी धो दिए थे कपड़े। तो देखिए जी ये लास्ट के कपड़े हैं। तो बाकी मैंने जो मतलब सुखाने के लिए डाले हुए थे मैंने निकाल दिए, और जो ये थे ये मैंने डाल दिए हैं। तो देखिए अब मैं ये वाली मशीन चला दूँगी सूखने वाली, साथ ही मशीन में से पानी भी निकाल दूँगी, और क्या नाम, साथ के साथ मशीन भी धो के छुट्टी हो जाएगी, और साथ के साथ मशीन भी धो जाएगी, तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। और अंदर किट्टू और डुगू बैठे थे, बहुत मुश्किल से बिठा के रखते हैं, बहुत शरारत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं बच्चों से। तो जी देखिए कपड़े धोने के बाद, तो ये अब आ गए हम ऊपर कपड़े फिलाने के लिए। तो क्या ना, पापा जी ने खाना, मतलब किट्टू के पापा जी ने खाना खा लिया था, तो हम दोनों सासू बहू आ गए हैं अब ऊपर कपड़े फिलाने के लिए। तो ये देखिए वैसे तो सूरज देवता दिखता नहीं, अगर ऊपर को देखते हैं तो देखा भी नहीं जाता है, वीडियो में दिख रहा था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। किन्ने गिराया तुझे? बाबा ने क्यों गिराया? खुद गिरा तू? बाबा जी तो नहीं कह रहे, तो खुद गिरा? बाबा जी तो यहाँ बैठे थे। तो जी अब मैं करूंगी बर्तन साफ, खाना गया है बंद, कपड़े भी धो गए हैं, अब मेरे रह गया सिर्फ बर्तन साफ करने। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ बर्तन साफ, फिर मिलती हूँ आपसे। हमारे कितने बंदर आ रहे हैं देखिए, ये नीचे आने को हो रहे हैं, वहीं चल ले, इतने खतरनाक बंदर है, ये सोचते हैं कि हम ही नीचे चले जाएं। इधर भी है, ये देखिए अब उधर बच्चे हैं, मुझे उधर ही जाना पड़ेगा।